तो यूपी पुलिस के लिए अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता को तलाश करना एक चुनौती बन गया है और आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शाइस्ता शामिल है, लेकिन वो कहां है उसका अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। शाइस्ता काफी शातिर है, उसने अपने सारे फोन बंद कर दिए, बार बार ठिकाने बदल रही है, कई शहरों में उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा। कहा जा रहा है कि उमेश पाल मर्डर केस में स्क्रिप्ट बेशक अतीक और अशरफ ने लिखी हो, लेकिन कत्ल से लेकर शूटरों की फरारी तक सब कुछ शाइस्ता के निगरानी में हुआ है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में पहले 19 फरवरी को सीसीटीवी फुटेज में नजर आई थी, उनके साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर 5 लाख का इनामी साबिर भी नजर आया था। शाइस्ता पर 12 मार्च को 25,000 का इनाम घोषित किया गया, 8 अप्रैल को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया और सूत्र ये बताते हैं कि उसने प्रयागराज में किसी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में शाइस्ता ने जो भी इस है उन सभी को गिरफ्तार करने जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जैसे शाइस्ता प्रवीण भी कॉन्स्पिरेटर की श्रेणी में है, इन सबको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उन पर 50,000 का इनाम भी जिला पुलिस ने घोषित कर दिया है। जिला पुलिस की टीमें भी इसमें काफ़ी एक्टिव हैं। जैसे अखलाक जो अतीक के ब्रदर इन लॉ हैं, वो इस गैंग के संचालन में शामिल थे, ये पहली बार प्रकाश में आया। अतीक की बहन स्वयं इस गैंग में के लिए काम करती थी, उन्होंने शूटर को शेल्टर दिया और उसे पैसे दिए, ये सब चीज़ें पहली बार प्रकाश में आई। तो बहुत लगभग पूरा गैंग जो है जो ऑपरेट करता था इस केस में बेनकाब हो गया है और उन पर लगातार कार्रवाई भी चल रही है। गैंग का मुखिया भी अब नहीं है, तो इसलिए गैंग कमजोर है और अगर पुलिस की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी तो गैंग समाप्त हो जाएगा। आशीष श्रीवास्तव भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आशीष, नजर अब यह है कि जल्द से जल्द शाइस्ता को पकड़ा जाए ताकि और राज खुल पाए, लेकिन वो अपनी लोकेशन बदल रही है, फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही, रिश्तेदारों के संपर्क में नहीं है, लेकिन इन सब के बीच जब वो छुप रही है, गुड्डू मुस्लिम के नाम से भी लोगों को धमकियां मिल रही हैं, अभी भी रंगदारी मांगने की खबर आ रही है, इसका क्या मतलब? एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इस पूरे माफिया को खत्म करने की कोशिश है, एक एक कड़ी को तोड़ने की कोशिश है, क्या ये फिर से उभरने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं? देखिए अर्पिता, ये तो साफ है कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई और उसके बाद पूरा गैंग जो है वो नेस्ते नाबूद करने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन एक आप अहम मानिए जो इसकी सरगना कह सकते हैं, मास्टरमाइंड, वो शाइस्ता परवीन रही है, क्योंकि शाइस्ता परवीन शुरू से लेकर आखिरी तक इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व रही और एक एक बात का उसको पता था। गुड्डू मुस्लिम भी आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है, उसकी लोकेशन अब छत्तीसगढ़ में मिल रही है। शाइस्ता परवीन हमेशा 3 से 4 महिलाओं के साथ चलती है जो नकाब पहने रहती हैं और वो मुस्लिम बाहुल इलाके में रह रही हैं, ये पता चला है अभी तक जानकारी। तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से शाइस्ता परवीन अभी तक छुपी हुई है, वो कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ का जो साम्राज्य था काला, उसको अब अपने अंडरटेकिंग करने की कोशिश लगातार कर रही हैं। वो ऐसे लोगों के संपर्क में है जिनकी जो प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी रखते थे, जो इनके कागजात के बारे में जानकारी रखते थे, क्योंकि इतने दिन फरारी काटने का मकसद ही यही है कि पहले हम अपना कुनबा मजबूत कर लें और उसके बाद पुलिस के सामने या तो सरेंडर करना होगा या पुलिस उन्हें अरेस्ट करेगी, क्योंकि मास्टर माइंड है वो और वो जानती है अभी उसके 2 बेटे असद और उमर, माफ कीजिएगा, उमर और अली अभी भी मौजूद है, जबकि 2 नाबालिग बंद हैं। तो ऐसे में अब काला साम्राज्य जो है पूरा, वो उन बेटों को कहीं ना कहीं आगे करने की कोशिश भी शाइस्ता की होगी और यही वजह है कि शाइस्ता परवीन सारी चीजें, जरा आपको रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर ये कि अतीक पर 16 सेकंड में 34 गोलियां दागी गई हैं, जो आप खबरें सामने आ रही हैं, आपने देखा होगा तस्वीरें, तो आप लगातार आपने देखी होंगी जब ये गोलियां दागी गई, लेकिन 16 सेकंड के अंदर 34 गोलियां जो है वो चली थी उस वक्त।
16 सेकंड में अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। लगातार ये जो तीन शूटर तस्वीरों में दिख रहे थे वो गोलियां बरसाते नजर आ रहे थे। दो शूटर के पास टर्की में बनी जिगाना पिस्तौल बरामद हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये भारत में प्रतिबंधित है। उसके बावजूद इनको मिलना कोई बड़े गैंग की ओर कहीं संकेत तो नहीं दे रहा कि क्या कोई इनका मास्टरमाइंड रहा हो, लेकिन अभी तक पूछताछ में ये कहते नजर आए कि ये सारी प्लानिंग इन्हीं की थी, इन्होंने ही बड़े माफिया बनने के लिए सब किया। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, 16 सेकंड में 34 गोलियां दागी गई। हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो एसआईटी के टीम के मेंबर हैं उन्होंने आज तक को बताया है कि जो मौका वारदात से सीसीटीवी रिकवर किया गया है उससे ये पता चलता है कि महज 16 सेकंड के अंदर अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। 16 सेकंड के अंदर 34 राउंड फायरिंग की थी। दो जो शूटर थे उनके पास टर्की में जिगाना पिस्टल थी जो तकरीबन 2 साल पहले दिल्ली के गैंगस्टर ने दी थी, जबकि एक शूटर उसके पास देसी पिस्टल थी। देसी पिस्टल में एक गोली फंसी रह गई थी। एफएसएल ने जब बकायदा जो रिकवर वेपन्स है उसकी जांच पड़ताल की तो ये पता चला कि एक गोली तो चली ही नहीं थी, लेकिन ये क्लियर हो चुका है एफएसएल की जांच में और जो सीसीटीवी को एक्सेस किया गया है कि महज 16 सेकंड के अंदर तीनों शूटरों ने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया था और 16 सेकंड के अंदर 34 राउंड फायरिंग तीनों शूटरों ने की थी। अब एसआईटी के सोर्स है वो ये भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द दोबारा प्रतापगढ़ जो एसआईटी की टीम है वो जाएगी और तीनों शूटरों से पूछताछ करेगी।